वाइट कॉर्नर पकाने के लिए हमें चाहिए प्याज, चिकन और चार कोरमा मसाला और दही हमें चाहिए, जो कि मस्ट है दही। इसमें दही और प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जिसको हमने कूट के उसका पेस्ट बना के हमने इसमें डाल दिया है। और उसके साथ हमने वाइट कोरमा मसाला डाल दिया है चिकन में। उसके साथ ये हमें चाहिए प्याज, जो कि मैंने 5 ली हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, चिकन मैरिनेट करके मैंने रख दिया है और चिकन मेरा 1.5 किलो है, इसलिए मैंने 5 प्याज लिए हैं। पहले हमने देगचा रखा, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने तक हम थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो कि मैंने थोड़ी सी करके रखी थी, और ये बाकी जो रह गई वो मैं अभी कर दूँगी। और इसको हमें घुमाते रहना है जैसे ये जल ना जाए। याद रखिए, प्याज को जलाना नहीं है, इसको पकाना है अच्छे तरीके से, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक थोड़ा मेरा प्याज जल जाए। प्याज जो हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हम इसको निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हमारे अनियंस रेडी हैं। इसी ऑयल में हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने मैरिनेट किया था वाइट कॉर्नर मसाला से, उसके बाद हमने उसमें डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा चिकन पक रहा है, ये जब तक थोड़ा गल जाए तब तक हम चलते हैं हमारे योगर्ट एंड अनियंस की तरफ। अनियंस और योगर्ट को हम डालेंगे जूस में। आप ग्राइंडर में डाल सकते हो, मैं ग्राइंडर में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ग्राइंडर में बहुत देर लग जाएगी, इसलिए मैं डाल रही हूँ जूस में। आप ग्राइंड कर सकते हो, वैसे ग्राइंड ही किया जाता है पर मुझे लगता है बहुत देर लग जाएगी। और ये हमने अनियंस डाल दिए इसमें, और ये हम डालेंगे योगर्ट। यहाँ पे हमारा योगर्ट भी अंदर पूरा चला गया। योगर्ट मैंने 1.5 कप लिया है। 1 kg पे आप 1 कप ले सकते हो, 1.5 kg पे 1.5 कप। तो आप ग्राइंड कर सकते हो, जैसे मेरा यहाँ पे हो रहा है। आपको चेक करना है कि ये हो चुका है या थोड़ा और हमें करना चाहिए। ये बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, पर हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। बाद हम अपनी चिकन को देखेंगे और हमारा चिकन गल चुका है काफ़ी हद तक, पर अभी उसको थोड़ा टाइम और लगेगा क्योंकि मैं बहुत चिकन को फ्राई करती हूँ, ये मेरी आदत है, चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई करती हूँ, तो इसमें अभी और थोड़ा टाइम लगेगा मैं, तो जब तक हम वेट कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप, चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, और इसमें अभी हम डालेंगे अपना योगर्ट एंड अनियन का पेस्ट ग्राइंड कर चुके थे। इसमें हमने दही डाली थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत पानी आ गया, और ये जब तक गल जाए
पानी सूख जाए तब तक हम इसको पकाएंगे और वेट करेंगे। तो हम इसको पकाते गए और हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया और इसका ऑयल जो है वो बाहर आ रहा है, आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे लेमन, 2 टेबलस्पून ये देखने में कितना यमी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। लेमन डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। और लास्ट मेरा सबसे फेवरेट स्टेप जो है, इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया डाल दूंगी। एंड इट्स रेडी।